हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के कोई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक हैंड फैन बनाने वाले जो कि बिना मोटर और बिना बैटरी के बनने वाला है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो दोस्तों, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग कुछ इस तरह के एक डब्बे को ले लेंगे। तो इसके जगह आप दूसरे डब्बे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे भी बन जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसके रैपर को निकाल लेता हूँ ताकि ये दिखने में अच्छा लगे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने कुछ इस तरह से इसके रैपर को निकाल लिया है। अब हम लोग इसके ढक्कन को खोलेंगे। तो इसके ढक्कन को खोलने के बाद इसके बीचों बीच में हम लोग एक होल बना लेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैंने कुछ इस तरह से इसमें एक होल बना लिया है। तो फ्रेंड्स, हम लोग को होल इतना बड़ा रखना है कि कुछ इस तरह का एक जो पेन वाला रिफिल होता है, ये इसके अंदर आसानी से आर पार जा सके और फ्रीली घूमना सके। तो इस तरह से इसको करने के बाद अब हम लोग इस तरह के एक ऊन वाले धागे को ले लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इस तरह से आपको धागे को ले लेना है और जो हम लोगों ने रिफिल लिया था, उस रिफिल के थोड़ा सा बीच से हम लोग को थोड़ा सा ऊपर में इसको यहाँ पर बांध देना है। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैं कुछ इस तरह से यहाँ पर आप लोग को बांध के दिखा देता हूँ। तो इस तरह से इसको बांधने के बाद बिल्कुल आपको यहाँ पर एक बूंद आपको यहाँ पर फेविक्विक डाल देना है ताकि ये निकल ना जाए। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से इसको बांध के अच्छी तरह से चिपका दिया है। तो अब हम लोग अपने डब्बे को ले लेंगे और इसके ऊपर में कुछ इस तरह से यहाँ पर एक होल बना लेंगे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने कुछ इस तरह से एक होल बना लिया। अब हम लोग इसी तरह से बिल्कुल बीच में इसके पीछे में भी एक होल बना लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर होल बनाने के बाद अब हम लोग करेंगे क्या, हम लोग कुछ इस तरह से अपने इस रिफिल और ऊन के धागे वाले चीज़ को लेंगे। और इसको लेने के बाद हम लोग को क्या करना है, इस ऊन वाले धागे को हम लोग इसको अंदर की तरफ से इस होल से हमें इसको यहाँ से निकाल लेना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ किस तरह से आपको निकालना है। तो कुछ इस तरह से आपको इस धागे को निकाल लेना है। इसको निकालने के बाद अब हम लोग अपने ढक्कन को लेंगे। इसका ढक्कन को लेने के बाद सिंपल से हम लोग इस पेन के रिफिल के ऊपर से हम लोग इस ढक्कन को लगाएंगे और सिंपल से सभी धागे को हम लोग इसके अंदर इस तरह से डाल देंगे और इसके ढक्कन को हम लोग सिंपल से लगा देंगे। तो इसको इस तरह से लगाने के बाद जो हम लोग का रिफिल है, उसका हम लोग को जो पीछे वाला होल बनाया था, उस होल से भी हम लोग को रिफिल को निकाल देना है। तो यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरह से मैंने इसको यहाँ पर निकाल दिया है। तो इस तरह से इसको निकालने के बाद ये फाइनल हम लोग को कुछ इस टाइप से दिखेगा। तो अब हमें करना क्या है, अब हम लोग लेंगे कुछ इस टाइप के प्रोपेलर का। इसके जगह आप छोटे से प्रोपेलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे पास बड़ा वाला था, इसलिए मैं बड़ा वाला लगा रहा हूँ। तो सिंपल से आपको इस जगह पर इसको लगा देना है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पर लगा दिया है। तो यहाँ पर इसको लगाने के बाद मैंने इसके लास्ट वाले पार्ट पर कुछ इस तरह से एक रिंग को चिपका दिया ताकि हम लोग का जो फैन इसको घुमाने में आसानी हो। तो सिंपल से आपको इसको घुमाने के लिए सिंपल से आपको इसको इस तरह से घुमाना है और इसके अंदर ये रस्सी चल जाएगा। आपको इसको खींचना है, फिर आपको धीरे से छोड़ना है। तो ये काफ़ी अच्छी तरह से बहुत ही तेज़ी के साथ ये घूमता है और इससे बहुत ही अच्छी तरह से हवा भी निकलती है। आप लोग को शायद इस वीडियो में नहीं पता चल रहा होगा क्योंकि हवा आप लोग को वीडियो के आर पार नहीं आ सकती है। तो चलिए, मैं आप लोगों को कुछ कागज़ के टुकड़े को उड़ा के दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को विश्वास हो जाए कि मैं कोई फेक वीडियो नहीं बना रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पर वर्क कर रहा है। तो दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।